शाहरुख खान आज अपना 54th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताएंगे जो आपने अभी तक कहीं नहीं सुने होंगे। शाहरुख की डेब्यू फिल्म दीवाना थी, इस बात को तो आप सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शाहरुख दीवाना से पहले ही अपना डेब्यू कर चुके थे? जी हाँ, वो भी 1989 में आई फिल्म इन विच एनी गिव इट दोज वन से। लेकिन इस फिल्म में शाहरुख का रोल बहुत ही छोटा सा था, जिसमें वो कॉलेज स्टूडेंट के रोल में दिखाई दिए थे। इस फिल्म को उस वक्त लेट नाइट स्लॉट्स में चलाया जाता था। किंग खान, बादशाह जैसे नामों से पुकारे जाने वाले शाहरुख का नाम शाहरुख तो बाद में रखा गया था, लेकिन आज हम आपको शाहरुख के ऐसे नाम से रूबरू कराएंगे जिसे शाहरुख की दादी ने बड़े प्यार से रखा था। शाहरुख का ये नाम था अब्दुल रहमान, जिसे उनके डैड ने बदल कर शाहरुख रख दिया था, और इसके पीछे की वजह थी शाहरुख का स्कूल में एडमिशन और साथ ही वो अपने बच्चों के नामों को एक जैसा रखना चाहते थे। शाहरुख की बहन का नाम लाला रुख है, जिससे मिलता जुलता नाम उनके पिता को शाहरुख लगा, तभी से अब्दुल को शाहरुख के नाम से बुलाया जाने लगा। शाहरुख ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में कई जगह हाथ आजमाए, उनमें से एक रही पंकज उदास के शो में हेल्पिंग स्टाफ की जॉब। उनकी ड्यूटी शो में लोगों के पासेस कलेक्ट कर उनको उनकी सीट्स पर बैठाने की होती थी। इस काम के लिए शाहरुख को 50 रुपए दिए गए, जो कि शाहरुख की पहली कमाई भी बनी थी। शाहरुख के डैड को ओरल कैंसर था, जिसकी वजह से 1981 में उनकी डेथ हो गई थी। उस वक्त शाहरुख महज 14 साल के थे, लेकिन अपने फादर के रेस्टोरेंट को संभालने का जिम्मा शाहरुख ने अपने सर उठा लिया था, जिसके लिए वो पूरी रात मेहनत करते थे। पहले शाहरुख अपने स्कूल जाया करते थे और उसके बाद रेस्टोरेंट में जाकर काम करते नजर आते थे। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता के गुजर जाने के बाद घर का माहौल काफी डिप्रेसिंग हो गया था। अब्बू की याद में रोना आया करता था, जिसे वो अवॉइड करने के लिए रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। जैसा कि सब जानते हैं, शाहरुख को रोमांस का बादशाह कहा जाता है, लेकिन क्या ये बात आपको पता है कि शाहरुख ने अपने करियर में सलमान की ही तरह नो किसिंग पॉलिसी बनाई थी? लेकिन 2012 में आई उनकी फिल्म जब तक है जान से उन्होंने अपनी ही बनाई इस पॉलिसी को तोड़ा था। इस फिल्म में उनके अपोजिट कैटरीना कैफ थी और इनके इस किसिंग सीन को फैंस ने काफी पसंद भी किया था, जिसके बाद शाहरुख ने सिलसिले को जारी रखा, साथ ही नो किसिंग पॉलिसी को किनारे में किया। किनारे में तो शाहरुख ने लेडी गागा के रूड बिहेवियर को भी किया था। दरअसल जब लेडी गागा का शाहरुख ने इंटरव्यू लिया था, शाहरुख की एक एक चीज कितनी कीमती है ये तो उनके फैंस जानते ही है। अब आप सोचिए, ऐसे में कोई कैसे शाहरुख की गिफ्ट की हुई वॉच कैसे ऑडियंस में यूं ही दे सकता है? लेकिन ऐसा ही कुछ लेडी गागा ने उस इंटरव्यू में किया था, जिसमें शाहरुख खान ने उनका इंटरव्यू लिया था, जिसे शाहरुख ने बाद में बड़ी ही पोलाइटली हैंडल भी किया था। बात करें शाहरुख के आइकॉनिक किस्से की, जिसमें कहा जाता है कि शाहरुख ने कैसे रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी थी, लेकिन क्या आपको उसके पीछे की वजह पता है क्या? अगर ये बात आपको नहीं पता तो हम आपको बताते हैं, इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि शाहरुख की गौरी थी। दरअसल हुआ यूँ था कि शाहरुख के ओवर पोसेसिव नेचर की वजह से एक वक्त ऐसा आया था कि गौरी उनसे दूर होने लगी थी, जिसके चलते गौरी अपने परिवार वालों के साथ मुंबई आकर रहने लगी थी। लेकिन गौरी के प्यार में शाहरुख ने गौरी को मुंबई में ढूंढने का मन बना लिया था, जिसकी वजह से उन्हें वो रात रेलवे स्टेशन पर ही निकालनी पड़ी थी। ये थे शाहरुख की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने पहलू। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।